प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 जनवरी को विश्व के सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा करने वाले गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। ये क्रूज 3,200 किलोमीटर यात्रा कर पावन दिन में वाराणसी से चलकर बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। क्या है इस क्रूज की खासियत? पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने इसे लेकर एक वीडियो साझा किया है। जिंदगी एक सफर है और उस सफर पर हर कोई चलता है, मगर कुछ सफर खास बन जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जर्नी, जो कि 3,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करेगी। वाराणसी से चलते हुए बांग्लादेश के रास्ते होते हुए यह असम तक पहुंचेगी। और इस पहल को सफल बनाया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, जिसको आसान किया भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल ने, जिसके तहत यह क्रूज बांग्लादेश के निश्चित मार्गों से बिना किसी बाधा के पारगमन कर सकेगा। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सहयोग से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच वॉटरवे लिंक स्थापित करने पर भी काम किया। गंगा विलास एक अत्याधुनिक लग्जरी क्रूज जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतुलनीय भारत को साकार करने की ओर एक नया अध्याय लिखने वाला है। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज पर स्थापित गंगा विलास 51 दिनों में 3,000 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करेगा। इसके बाद 15 दिनों तक क्रूज यात्रियों को बांग्लादेश के तमाम हेरिटेज से रूबरू कराएगा और अंत में गुवाहाटी के रास्ते क्रूज भारत में प्रवेश करेगा और शिव सागर होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचकर अपने खूबसूरत सफर के मंजिल तक पहुंचेगा। क्रूज अपने इस सफर के दौरान यात्रियों को गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना और कई अन्य नदियों के किनारों पर पहले 40 प्रतिष्ठित स्थलों पर ले जाएगा। गंगा विलास पर्यटकों के लिए एक नया पहल है, जिसके माध्यम से लोग जलमार्ग से जुड़े आकर्षित करने वाले मनोरम दृश्य से रूबरू हो पाएंगे, साथ ही कई महत्वपूर्ण हेरिटेज को देख पाएंगे और पर्यटकों द्वारा की गई खरीदारी से लोगों के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी, जिससे उनका सफर ना भूलने वाला साबित होगा। 13 जनवरी 2023 काशी से वाराणसी से एक क्रूज जा रहा है, जो 3200 किलोमीटर लंबे वॉटरवे से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभूतपूर्व क्रूज होगा।